है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ग्रेविटेशन वाला जो भी है। ठीक सर लास्ट के 3 चैप्टर करवा देना, 6 7 8। सर, वही ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। है ठीक, उठा के ओके बिन पर अभी तक। चलो, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गया स्क्रीन? ये रहा, ये रहा मेरा स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे। टिंग टिंग, ठीक है आ जाओ। इतना इग्नोर मैं क्यों फील कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाया हूँ। चलो ठीक है आ जाओ। चलो पहला सवाल पढ़ो जरा, क्या कह रहा है पहला सवाल, पढ़ो सब कोई। सर पढ़ लिया। चलो सबने पढ़ लिया क्या? सीधी सीधी सी बात पूछ रहा है कि कौन सी दो यस कंडीशन है जिसमें रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है? क्या सर, हमने हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। बिल्कुल क्या हमने देखा था, हमने पढ़ रखा है क्या, रियल गैस कब बिहेव करती है या ओबे करती है आइडियल गैस की तरह? सर हाई टेम्परेचर। अब कितना पूछ रहा है, दो कंडीशन पूछ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो तो, दो कंडीशन। तो क्या हमें पता है, एक होता है हाई टेम्परेचर, ठीक एक होता है लो प्रेशर। है, और एक होता है लो प्रेशर। हमने तो ये कर्व से भी समझा हुआ था, याद है? ठीक है, तो यस सर। आ जाओ। ये देखो क्या कह रहा है पहला। सबने पढ़ लिया क्या? कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बी आरएमएस का पहले प्यार से फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे इसके कि इसके अंदर है क्या, क्या यही चीजें हैं। अच्छा, जब भी मॉलिक्यूल्स की बात होती है ना, तो हमेशा हम बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमें पता है, आर जो होता है वो के बी इंटू में एन ए हो जाएगा, है ना? तो यस सर पहले क्यों के बी इंटू में एन ए इंटू में टी टेम्परेचर अपॉन में, क्या ये मोलर मास है ना, मोलर मास है, और क्या मोलर मास जो होता है एक मॉलिक्यूल की मास इंटू में एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मल्टीपल होती है ना, है ना? क्या मैं ऐसे लिख दूं, है ना? क्या ये ऐसा कुछ आ गया, किसी को ना समझ में आए तो बताना, मोलर मास को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाने पे भी क्या कुछ अंतर पड़ रहा है? नहीं ना, नॉर्मल वही आ रहा है फिर से, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? नो इफेक्ट। ठीक है, पेन क्यों नहीं काम कर रहा भैया? आगे, नो इफेक्ट। समझ में आया क्या? ये चीज चल रहा है, समझ में आया क्या ये? हाँ या सर, ना? उसने डबल बोला है ना, हाँ, क्या कह रहा है? देखो, एम को डबल कर कह देंगे रहा हम। है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आरएमएस स्पीड। मैंने कहा वी आरएमएस क्या होता है, अंडर रूट में 3 RT/m होता है। m क्या है? मोलर मास है, 1 मोल का मास है। और इसी को मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जब भी मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो मैं केबी के टर्म लिखा, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के टर्म में, तो मैंने उसको बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के टर्म लिखा। क्या हमें पता है ये वाली टर्म, ऐसे तुम लोग को ज्यादा दिखता है, पता नहीं क्यों। देखो R/n हमें पता है क्या, है ना? यस क्या मैं आर को कहाँ गया, हाँ के बी इंटू में एन ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना? सर तो मैंने आर के जगह पे के बी इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन ए मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिया, और इंटू में टेम्परेचर है, नीचे मैंने मोलर मास लिया है, मैंने इसी मोलर मास को, ये 1 मोल का मास है, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मास, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए होते हैं। तो क्या मैं मोलर मास को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वही मैंने कर दिया। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर से कट गए, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता, बी आर एम एस में कोई इफेक्ट नहीं आता, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा भी देते हो। समझ में आया? हाँ यार, यस चलिए चलो सर तीसरा यस देखो तो यस जरा। सर पढ़ लिया सबने? यस सर आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयस लॉ पता है क्या, क्या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, टेम्परेचर यस सर कांस्टेंट होता है तो बॉयस लॉ में, है ना? क्या हमें पता है इसका ग्राफ कैसा बनता है, याद तो होता है? सर
यहाँ पे प्रेशर होता है पी और इधर क्या होता है वॉल्यूम, और क्या ये कुछ ऐसा आता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वैसे भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है तो ऐसा ही आता है सर। ठीक है, क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगी, घटेगा। घटेगा। ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने पूछ रहा है मुझसे कि ग्राफ बनाओ प्रेशर और 1/V के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जरा देखें कैसा बनेगा, देखना ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार इसमें। अरे ठीक है, ये प्रेशर हो गया और ये 1/V। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही से लिखने को दिक्कत होगा। ठीक है, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या वॉल्यूम घटेगा, है ना, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा तो क्या नेट में क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम नीचे है ना, नीचे क्वांटिटी घट रही है तो पूरा ओवरऑल तो बढ़ेगा। yes. यानी कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाऊंगी ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ती जाएगी क्या, है ना। क्या स्ट्रेट आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ध्यान रखना जब भी पूछेगा पी एंड 1/V के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाओ जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो कैसा बनेगा वो का, ऐसे लीनियर बनेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे लीनियर बनना है, हमें बॉयस में पता रिपीट कर दो ये वाला ग्राफ। है। हाँ देखो, बॉयस में पता है ना, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, मैंने प्रेशर बढ़ाया पर 1/V है, सर वन प्रेशर बाई बढ़ाया पी तो हो वॉल्यूम तो, क्या बेटा, 1/P हो तो क्या करेंगे। 1/P कहाँ पी पे, यहाँ यस पे, यहाँ पे भी, सर, यहाँ पे पी भी की वन वैल्यू बाई वन पी हो बाई जाए, पी यहाँ पे हो। भी 1/V हो जाए। नो नो सर, ओनली पी हो। और सर वन कहने का बाई मतलब यह है पी कि इक्वल टू प्रेशर वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते किसके, वॉल्यूम सर, के, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के। यस फिर भी यही रहेगा ना बेटा, सर। दोनों का रिलेशन अगर वही आ रहा है तो वही, तो उस केस में क्या होगा, इधर वी करके देख लो, इधर पी रख के देख लो, तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से प्रेशर तो घटना चाहिए था बॉल्स में ना, पर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो नीचे प्रेशर घटेगा फिर ओवरऑल बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, सर समझ आप में आ रहा है। समझा रहे थे, समझा दो, वो बीच में इधर बोल। से इधर देखो, प्रेशर बढ़ा रहा वॉल्यूम घटना चाहिए ना, वॉल्यूम नीचे घट रहा है ना तो ओवरऑल बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये वाला भी क्वांटिटी बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ठीक है, ओके सर। अब तुम अपना वाला देख लो जो बोल रहा है, मैं वॉल्यूम कर दूं, इसको प्रेशर कर दिया, अब इधर रहा, बॉयस लॉ के हिसाब से क्या प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, या मैं इसी को बोल सकता हूँ वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या प्रेशर घटेगा, यस सर, है ना। अब देखो वॉल्यूम यस सर, बढ़ा यस रहा सर। मैं, प्रेशर नीचे घट रहा तो ओवरऑल फिर बढ़ेगा, तो क्या जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है यहाँ तक। जी सर, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसलिए ना कि कॉन्सेप्ट जब नहीं पता होगा ना तो फिर अंदर का भी चीज नहीं पता चलता है, ये बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। जरा देखो कितने लोगों को पता है, नेम द फैक्टर ऑन विच द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस डिपेंड्स, बताओ जरा। सर टेम्परेचर ठीक और है, सर एटोमिसिटी। बिल्कुल एटोमिसिटी बिल्कुल, सर, एटॉमिसिटी, समझ में आया सबको, यही होता है, दिख रहा है क्या कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और क्या, एटॉमिसिटी पे, सबको पता है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटॉम्स। यस सर। हाँ ये दिया है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटॉम, वही है लगभग, उसको डिफाइन ऐसे कर दिया एटॉमिसिटी पे। ठीक है, तीसरा देखो, ये दूसरा वाला सवाल करो, अभी बेसिक बेसिक है, आगे सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर चलता था, निकल जाएगा डायरेक्ट। सर सभी का आ रहा है क्या, नो सर, क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, रूट मीन स्क्वायर, √3 RT/m। √3 RT/m,
सवाल में कह रहा है कि जो टेम्परेचर है ना उसको मैंने 3 times कर दिया, ठीक है, तो क्या जो नया VRMS होगा, मान लेते हैं उसको बढ़ा दिया, तो क्या 3R और ये 3 times ऑफ टेम्परेचर हो गया ऑन मैन, है कि नहीं, ये अंडर रूट में 3 है उसको बाहर ले लिया और इसको ऐसे कर दिया 3RT/M, क्या ये वही पुराना वाला VRMS है? यस यस सर। टेम्परेचर करने पे कितना टाइम हुआ? रूट थ्री टाइम्स। रूट थ्री क्यों लिया कॉमन? रूट थ्री टाइम्स, ठीक है, रूट थ्री बाहर से लिया। क्या बेटा? रूट थ्री बाहर से निकाला, आवाज नहीं आई तुम्हारी। रूट थ्री कॉमन क्यों लिया? इसको बाहर क्यों निकाला? इस रूट थ्री को मैंने बाहर इसलिए लिखा ताकि ये वाला मेरे पास आ जाए, ताकि मैं कंपेयर कर लूं, ये रूट थ्री है, ये मैंने बाहर निकाल लिया तो रूट थ्री टाइम्स हो गया। तो मुझे यही तो बताना है कितने टाइम्स होता है। सवाल क्या है, देखो सवाल क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो रूट मीन वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट 3RT/M, यहाँ पे 3 अंडर रूट 3RT/M दिख रहा है और अंदर क्या था, 3 times टेम्परेचर हुआ तो उसको बाहर ले लिया था रूट 3 times, तो दिख रहा है डायरेक्ट रूट 3 times हो गया है VRMS के, इसलिए मैंने, ठीक है। चलो अब करो जरा बताओ सभी लोग, सवाल समझ में आया क्या? सर इसका आंसर हाइड्रोजन है क्या? ठीक है, हाइड्रोजन होगा। बाकी लोग? ये सर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है सवाल? सवाल समझ में आ रहा है? यस सर। हाइड्रोजन, क्या कह रहा है? अ कंटेनर हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल डाल दिए, ठीक है, हाइड्रोजन और मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है अंदर, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ फाइन होल, एक जगह बोल रहा है कि मैं अगर होल कर दूं, मैंने यहाँ पे होल कर दिया, ठीक है, तो बोल रहा है अगर मैं वहां पे होल कर दूं तो कंटेनर में से कौन सा गैस सबसे जल्दी बाहर निकलेगा, ठीक है, क्या जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही बाहर निकलेगा? यस सर। है कि नहीं, तो जरा देखो तो स्पीड कैसे निकालेंगे फिर से VRMS में, क्या नीचे एम दिया हुआ है, सबके लिए टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए, ठीक है, कुछ बोला नहीं है, टेम्परेचर सेम है, अगर मैं VRMS हाइड्रोजन का निकालूं तो क्या नीचे में 3RT/2 हो जाएगा, और अगर मैं VRMS कार्बन डाइऑक्साइड का निकालूं क्या अंडर रूट 3RT/44 हो जाएगा, क्या किसका VRMS ज्यादा है, क्या हाइड्रोजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से? सर कैसे हाइड्रोजन का ज्यादा? नीचे क्वांटिटी देखो तो ये वाली क्वांटिटी में और इस वाली क्वांटिटी में कौन सा ज्यादा है? सर ऊपर ऊपर ना, ठीक है, और ये कैसे पता है? क्योंकि वो डबल टाइम है और ये उसमें 44 times। हाँ नीचे 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 2 है नीचे, हाँ जी सर, ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो जाता, ठीक है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी क्या वही तेजी से बाहर निकलेगा, तो इस वाले कंटेनर से हाइड्रोजन वाला गैस बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, ठीक है। यस सर। हाँ अभी कॉन्सेप्ट बेसिस पे नहीं था, आ गया एक और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर की होगी? थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा वाला सवाल अच्छा है, ये वाला ऐसा सवाल पूछता है, ऐसा ही थोड़ा सा घुमा के पूछता है। सर आपकी आवाज, सबको स्लो आ रही है क्या आवाज, जरा बताना है? नो सर, नहीं सर, सही है एकदम। बेटा जरा एक बार अपने एंड से देख लो, चलो मैं थोड़ा लाउड बोल लेता हूँ, पता नहीं कुछ दर्द हो रहा मेरा और कुछ नहीं। चलो
पहला क्या कह रहा है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। कितना बेसिक सवाल पूछ रहा है, देखो बॉयल्स ओके इज इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, पी कांस्टेंट, क्या कह रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, ठीक है। आर कांस्टेंट पता है, हम किसी एक गैस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे, ये फिक्स होगा, ठीक है। अगर पीवी ही कांस्टेंट हो जाए, पीवी ही कांस्टेंट हो गया है कि नहीं, तो बाकी वाले टर्म की साइड में क्या है, देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी भी कांस्टेंट ही है लगभग, बचा टी तो क्या पीवी भी कांस्टेंट है इधर और टेम्परेचर इधर बचा, तो क्या टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? यस सर। है कि नहीं, तो क्या पॉसिबल होगा टेम्परेचर को बढ़ाना अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं? नो सर। तो क्या लिखा, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाइल कीपिंग द प्रेशर एंड द वॉल्यूम कांस्टेंट बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। सीधे दिखा देना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, ओके सर, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ तुमको उसका इन्फॉर्मेशन है। दूसरा क्वेश्चन सर, सारा अटेंड करो, सभी लोग जरा पढ़ो। सर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हाफ रो वी स्क्वायर होता है ना, निकालो बताओ सर, 1/3 के ही होता है ना? क्या बेटा? 1/3 के ही। सबको इधर आ जाओ, देखो निकालते कैसे, क्या करें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, जब भी काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो हाफ एम जी आर एम एस, ठीक है, एकदम बेसिक से चलना है, कभी भी एकदम स्टार्टिंग में जाओगे कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। वी आर एम एस क्या होता है, अब तो रट गया होगा, अब आंख बंद करके तो पूछे तो तुम बता दोगे, कुछ दिन बाद तो कान बंद करके भी बता दोगे, है कि नहीं? No, क्या यही हो जाएगा, एम से एम काट दूं, क्या हो जाएगा, 3/2 आर टी, ठीक, जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, yes, एक एक गैस के लिए बोल रहा है कि गैस के लिए, ठीक है, गैस चेंज नहीं हो रहा कहीं पे भी, ठीक है, तो क्या पीवी जो होगा वो आरटी के बराबर होगा, ठीक है, क्या मैं आरटी की जगह पे पीवी लिख दूं, देखना जैसे स्लाइड है क्या आगे, स्लाइड है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्या 3/2 पीवी हो जाएगा, और क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख दूं, यही वाला वी नीचे भेज दिया, क्या आया 3/2 पी, क्या सिंपल था? यस सर, सिंपल था, यस सर, सभी को समझ में आ गया? हेलो जी सर, बताओ जरा, बताओ, कोई बताओ सर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन की वजह, इस वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और कोई सर, मैग्नेट अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है जिसके कारण टेम्परेचर इसकी हीट आ जाती है, ठीक है, सर्वर को जो है वो कन्वर्ट हो जाए हीट में, बिल्कुल, हम वर्क डन कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, तो इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाता है और हीट की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं टायर का तो हम एक चीज भूल जा रहे हैं कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा ना टायर का, तो जब हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी लगा देते हैं तो दिख रहा है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, दिख रहा, ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दो, देखो वर्क डन किया हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, तो अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से टायर में क्या हीट जनरेट होगा, घिस रहा है ना, तो हीट जनरेट होगा, उसी हीट की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, पर वॉल्यूम का क्या खेल होगा, हम तो एक टायर की बात कर रहे हैं ना, टायर का वॉल्यूम तो बढ़ नहीं जाएगा, यही टायर है, यही रहना है,
अब अंदर सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। ओके सर, चलो हाइड्रोजन तो करेगा लीक, इसके दो दो आंसर हो सकते हैं कि हाँ, लेकिन किस होता है प्रेशर किस में जल्दी से ड्रॉप होगा ये पूछ रहा है सर। H2 में, H2 में, ठीक है समझ में आ रहा है। H2 में ठीक है, कैसे प्रोसीड करोगे? वी आर एम एस हमें पता है ना, पहले तो ये दिखा देना 3 RT/m होता है, लेकिन हमने वी आर एम एस को ना एक और चीज निकाला था, क्या 3P/ρ निकाला था, जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो। PV=nRT होता है, मोल यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, हम किसी गैस के बारे में बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके बात करते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, तो PV=RT हो जाता है, हम आरटी को पुट कर देते हैं, हम आरटी को पीवी पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जरा सबको एक बार, 3PV/m हो जाएगा, हम इसी वी को नीचे ले आ देते हैं तो, और क्या डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मिटा के इधर रो करके, समझ में आया? यस सर। अब गलती से अगर पूछ दिया कि आप वी आर एम एस को प्रेशर के टर्म में डिराइव करके देखा तो कर दोगे ना? यस सर, Yes, मैं किसी बता सवाल क्या पूछे नहीं पता ना, लेकिन डिराइव करने को बोल दे तो हमें आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो तो डेंसिटी की बात कर रहा है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स है जो भी कंटेनर लिखा लिया है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, तो क्या हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन के मास से कम होगा, तो क्या डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी जो होगा ऑक्सीजन का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, ठीक है। अब देखना जरा वी आर एम एस किसका ज्यादा होगा, क्या हाइड्रोजन का ज्यादा होगा? यस सर। और जो जल्दी निकलेगा उसी का प्रेशर जल्दी ड्रॉप होगा, है कि नहीं? यस सर। तो प्रेशर ड्रॉप जो होगा हाइड्रोजन वाले का ज्यादा होगा, प्रेशर ड्रॉप इन हाइड्रोजन गैस। सर ये जैसा भी एक पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, हाँ सर, जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन कराया था 44 वाला CO2 वाला, उसी के जैसा ही तो है ये, उसी जैसा है, बस प्रेशर की बात कर दिया इसमें, ठीक है सर। हम वैसे भी तो कर सकते हैं ना, हाँ बट प्रेशर को दिखाना पड़ेगा ना, वहां पे तो बोल रहा है कि कौन रैपिडली निकल रहा है, रैपिडली निकलने का हाइड्रोजन ही है, हाँ जो जल्दी निकलेगा उसी का प्रेशर घट रहा होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये भी सेम है, आप लोग कर लोगे लगभग लगभग, देख लो ऐसे ही कर लोगे आप लोग। अगला सवाल अच्छा है, हो जाएगा यस सर, तभी यस सर, यस सर, अगर किसी को नहीं आया तो देख लेना भाई छूट जाएगा सब, यस सर बोल रहे हो तो सर करा दो, करा दे, देखो कुछ लोग को देखो, यस सर करा दो, चलो आ जा। कह रहा हीलियम इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटॉप हैविंग एटॉमिक मास 3 g/mol एंड 4 g/mol, यानी कि ये मोलर मास दे रखा है, ठीक है, ये दोनों क्या है मोलर मास, ठीक है। कह रहा है इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस विच एटम मूव फास्टर ऑन एन एवरेज, कौन सा गैस फास्ट मूव करेगा, जरा देखना क्या मोलर मास नीचे आ रहा है कि नहीं। दो आइसोटोप दे रखा है, एक 3 g वाला और एक 4 g वाला, अगर मैं 3 g वाले को देखूं वी आर एम एस और 3 g वाले को, तो क्या वो नीचे 3 रह जाएगा, और 4 g वाले को देखो तो क्या नीचे 4 आएगा, कौन सा ज्यादा छोटा है इसमें से और कौन सा ज्यादा बड़ा है, छोटा है, तो क्या यही तेज मूव कर रहा होगा, यस सर, यस सर,
ठीक है, वही बेसिक था, मैं जानबूझ के लिया था, लेकिन फिर भी कोई बोला करा दो, ये लो करो, ये लो करो, ये अच्छा सवाल है, सभी लोग कुछ देर वैसा मैं सीधा बताऊंगा, आप लोग नोट से पढ़ लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन लिया है तो नोट्स में ही है, लेकिन वो मैं बोलूंगा तो मैं नोट से पढ़ना, नोट्स में पूरा डेरिवेशन दिया है, और फर्स्ट का वन रिसीव वन, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वन रेशियो वन मतलब तुम करो, बदलेगा नहीं, सेम रहे, ठीक है। दूसरे का दूसरे का वन तो रेशियो सर टू, वन रहेगा, दूसरे का वन रहेगा नो रेशियो, सर, सर वन वन रेशियो टू, रेशियो टू, वन सर वन रेशियो। रेशियो टू। चलो बहुत बढ़िया, गुड, आ जाओ सभी लोग इधर आ जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है, बी आर एम एस पूछ रहा है, ठीक है, बी आर एम एस किस पे डिपेंड करता है, देखो जरा क्या दिया है सवाल में, टू वेसल्स ऑफ सेम वॉल्यूम आर फिल्ड विद सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई बदलाव हुआ है, नो सर, तो क्या नो बी आर एम एस में कुछ चेंज आएगा, नो सर, टेम्परेचर तो बी आर एम एस किस पे डिपेंड करेगा, क्या रूट थ्री पे ही डिपेंड करेगा बस, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, रूट टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या दोनों के लिए सेम रहेगा, तो यस सर रहेगा। दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ जब सर प्रेशर दोनों का वेरी करे, कैसे वन रेशियो टू, इसको कैसे निकालेंगे, क्या काइनेटिक गैस इक्वेशन में, मैं क्या किचन लिख रहा था क्या, काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है, क्या था प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन बी आर एम एस का स्क्वायर, आया ना, एम क्या था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है P1/P2 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 1/3 एम इंटू एन बी आर एम एस ऑफ वन है कि नहीं, और 1/3 एम इंटू एन, एक मिनट, हमें क्या निकालना था, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, है कि नहीं, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग लिख दिया, वी आर एम एस में दोनों में कोई अंतर नहीं है, टेम्परेचर सेम है, हाँ या ना, यस सर, ठीक सेम है है, सर, और क्या कह रहा है, सेम गैस कह रहा है क्या, देखो क्वेश्चन में कह रहा है सेम गैस है तो क्या उसका जो एक मोल का एक मॉलिक्यूल का मास होगा वो भी सेम होगा, तो मैंने हाँ 1/3 एम इसका भी लिखा, एन वन लिखा क्योंकि इसका पता करना है कितना मॉलिक्यूल है, वी आर एम एस सेम है, नीचे मास सेम है, वी आर एम एस सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है, क्या हमें P1/P2 दे रखा है 1/2, और जरा देखना यहाँ से क्या 1/3 इंटू एम, 1/3 इंटू एम वी आर एम एस, वी आर एम एस कट जाएगा, क्या N1/N2 आ गया डायरेक्ट, ठीक 1/2। है, सभी को आया क्या, सेकेंड का यस वन सर, सेकेंड, सर फर्स्ट पार्ट नहीं आया, सर गैस नहीं क्यूब है, वाला पता सवाल पढ़ो सर, क्या कर, फिर से सर, फिर कैसे से सवाल पढ़ो, सर इक्वल टू 1/3 एम समझ नहीं आया स्क्वायर कैसे लिख दिया क्या बेटा, सर, प्रेशर इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम स्क्वायर ये कैसे हुआ सर, प्रेशर इज इक्वल टू, ये काइनेटिक गैस की इक्वेशन है बेटा, क्लास में पढ़ा है, इसका पूरा प्रूफ भी कराया है, हाँ ना बोलो, ओके क्लास में ओके करा सर, है, क्लास में आए थे कि नहीं आए थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, शायद आया तो था सर,
हाँ तो सेकेंड लेक्चर में जाओगे ना, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मैंने पोस्टुलेट्स बताए थे, उसके ठीक बाद से इसका डेरिवेशन दिया, ठीक है? सेकेंड लेक्चर में देखो तुमको मिल जाएगा, ठीक है? मुझे याद है कि मैंने कब पढ़ाया था, किस वाले लेक्चर में बताओ। ये मत करो, ये क्लास में करा रखा है, इजी सवाल है, ये करो, ये प्रूफ वाला है, क्या हो जाएगा क्या, सबसे सभी करेंगे ये प्रूफ। कोई सीपी और सीवी का पूछ रहा था ना, हाँ कोई नहीं, अभी डाउट नहीं रहेगा, अब मैं बता के जाऊंगा, ठीक है, बता के जाऊंगा। मेरा ज्यादा फोकस रहता है कि बेसिक ज्यादा अच्छा हो, पता है बेसिक जब सही होता है ना तो बाकी कैसे भी सवाल आए कैसे भी घुमा ले आसान हो जाता है, आसानी से हो जाता है। एक बगल में चांद हो गए, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में स्विच किया हम चांद को, हम चांद को रोटी की चादर ओढ़ कर सो जाएंगे, और नींद को कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। अब इसका मतलब नहीं समझा, कह रहा है एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरिया, हम चांद को आज रोटी की चादर उड़ाकर सो जाएंगे। मतलब हर दिन ऐसे ही सोता था, रोटी नहीं मिलता था, चांद को देखते देखते लोरी सुन सुन सोता था, और आज रोटी मिला है तो चुपचाप रोटी खाएगा, लोरी सुनने की जरूरत भी नहीं है, मस्त नींद आया। वो इतने लाइन में 3 सेंटेंस में बोलता है, मीनिंगफुल है। चलो आ जाओ, आ जाओ करते हैं भैया। चलो आ जाओ करेंगे, ठीक है? तो देखो n बोल रहा है, n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ठीक है। चलो क्या हमें पता है CV क्या होता है, F by 2, F R by 2 होता है, लेकिन यहाँ पे N बोल रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मोल नहीं है, ठीक है, F है, ठीक है। क्या हमें पता है CP minus CV is equal to R, R होता है, ये मेयर्स रिलेशन पता है, ठीक है, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं CP निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, देखो तो CP निकल सकता है R plus CV हो जाए, ठीक है, तो CP, हाँ CP is equal to, फिर मैं N R by 2 CV का वैल्यू प्लस में R, मैं R को कॉमन ले लूँ क्या सर, यहाँ से समझ में नहीं आया सर, यहाँ समझ में नहीं आया बड़ा जल्दी कंफ्यूज हुए तुम, R है प्लस CV की वैल्यू क्या है, अच्छा तो समझ में आया, R by 2, ठीक है, CP क्या आ जाएगा, R common ले लेंगे, N plus N by 2, ठीक है, क्या कह रहा है सर, CP की वैल्यू N by R वाली कैसे आई, N by N R by 2 कैसे, ये CP की वैल्यू, यस सर, इसका तो पूरा डेरिवेशन कराना पड़ जाएगा मुझे तुमको, इंटरनल एनर्जी लॉ ऑफ पार्टीशन से, तो मतलब सर याद करना पड़ेगा, हाँ अभी याद रखो इसको, और क्या याद नहीं है तुम्हें सर, काइनेटिक पढ़ा नहीं है मैंने सही से अभी, देखो ये अलाउ नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है ना बिल्कुल टिक पे होनी चाहिए, और मैंने तो तुम लोग पूरा एक टेबल बना रखा है जिसमें सीवी ऑफ मोनोएटॉमिक, सीपी ऑफ मोनोएटॉमिक, सीवी ऑफ डायएटॉमिक, सीपी ऑफ डायएटॉमिक, हर चीज बना रखा है कि नहीं, आया ना वो, यस है ना, यस सर बना रखा है सर, ये सारी चीजें ऐसी है ना जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, तो डायरेक्ट पुट करो और निकालो, ऐसा होता है, कई बार डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, ये अब याद रखना, ठीक है, ये आ गया, क्या पूछ रहा है, सीपी बाई सीवी बोल रहा है, CP पता है कितना है, R 1 plus N by 2, और ये कितना है, N R by 2, R से R कटेगा, R से R कट जाएगा सर, मैं काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 plus N upon 2 हो जाएगा, और ये N by 2 हो जाएगा, क्या 2 से 2 भी कट जाएगा, यस सर, yes,
अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, क्या 2 + n / n आ गया है ना, जगह नहीं है आगे, जगह है क्या, कहाँ लिखूं मैं इसको बताओ, सर नीचे नीचे, सर नीचे बिल्कुल व्हाइट लाइन के नीचे। हाँ यही लिख दूं क्या? लिख दो सर। जरा ध्यान से देखो, ये भी बस आंसर आ गया है। अब मैं इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकता हूँ, तो देखो तो ये n से n कटेगा तो 1 आएगा और ये 2/n हो जाएगा। क्या यही हमारा CP/CV है? देखो सर आ गया, आ गया ना, देखो यही लाना सर। अभी अभी पढ़ाना मत सर, अभी एक बार देखने देना। हाँ देख लो सर, n से n कट गया, सिर्फ 2 बचाना फिर। हाँ n नहीं देखो कटेगा, पहले में प्लस तो ही होना। पहला ये 2/n हुआ, ठीक है, और प्लस n/n कटेगा तो 1 आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। अब जरा सुनो, ये जो CP - CV = R है ना, ये जो CP है कैपिटल वाला C है। कैपिटल वाला C मतलब मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर, -CV ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जो मोलर वाले CP और CV को जब हम माइनस करते हैं तब आ रहा था। ये CP - CV जो मोलर वाले का कर रहा है, आर आ रहा है, ये हर गैस के लिए सेम आता है, चाहे तुम ऑक्सीजन लो, चाहे तुम हाइड्रोजन लो, चाहे तुम कार्बन कुछ भी लो, कोई भी गैस, नियोन लो, हाइड्रोजन लो, हीलियम, कुछ भी लो, जो ये CP - CV है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो हमेशा आर आता है। पर कभी कभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माइनस, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दे देता है। तो तुम देखोगे उसमें लिखता है CP - CV = A फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, फिर लिखता है CP - CV = में B फॉर ऑक्सीजन, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो बढ़ाओ के आगे थोड़ा, देखो क्या ऐसा सवाल आता है, CP - CV = A, ठीक है, बोल देगा हाइड्रोजन के लिए, फिर कहेगा CP - CV = B फॉर ऑक्सीजन के लिए। तुम आगे से कभी ये सवाल नहीं करोगे कि सर ये मोलर है या नॉर्मल हीट कैपेसिटी है। अगर मोलर होता तो इनका डिफरेंस ए नहीं आर होता, मोलर होता तो डिफरेंस बी नहीं, सीधा आर होता। पर ऑटोमेटिक जब ये ए और बी लिखा तो तुमको समझना था कि ये मोलर हीट कैपेसिटी तो है ही नहीं, क्या है ये, नॉर्मल हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अब सवाल में आया ना, तो कभी भी ये मत पूछना कि ये कैपिटल में लिखा है सर, ये सीपी है कि सीबी है, क्या इससे काफी समझ में आ जाएगा। अब ऐसे भी लिख दे तो समझ में आ जाएगा ना, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये मोलर है और ये नॉर्मल स्पेसिफिक। नॉर्मल हीट कैपेसिटी है। अब कंफ्यूजन दूर हुआ? यस सर। यस सर। यही कंफ्यूजन करता है सवालों में। चलो ये नोट डन हो गया क्या? यस सर, यस सर। पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको जहाँ पे पीडीएफ आपने मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करा है क्या बेटा? सर, ये वाला स्टेप बता दो जहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है। ये वाला यहाँ कहाँ गया, ये वाला है ना, यही यस क्या? ये देखो, ये आर से तो आर कट गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 + n/2 आ गया, और नीचे में क्या मेरे पास n/2 था, ये तो ये 2 से ये 2 ओके जाएगा। देखो ये पलट जाएगा ना, ये यस पलटेगा तो नीचे n आएगा, ऊपर 2, तो 2 से 2 कटना ही था, और नीचे n आ गया और ये 2 + n था। फिर मैंने इन दोनों को स्प्लिट किया, क्या ये a + b/c लिखा है, तो मैं इसको a/c + b/c लिख सकता हूँ, बस वही किया, 2/n और प्लस में n/n, तो वो n/n 1 हो गया था, ठीक है। अभी भी जवाब नहीं आया, ठीक है कि नहीं आया? सर यस सर, ठीक क्लियर है। यस है, सर आ गया। सर, यस सर। अरे 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 यस सर, क्लियर चलो ठीक है, कर लोगे ये नॉर्मल, ऐसे ही बता दो मुझे, तुम लोग कर लोगे? हाँ एक और चीज बता दूं, तुम लोग नोट्स में जाना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है कि नहीं? सही, तो एनसीईआरटी का है। बराबर बराबर एनर्जी मिलती है सबको। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन वाला कर लेना, उसका डेरिवेशन भी जो है इंटरनल एनर्जी वाला वो कर लेना, ठीक है, वो नोट्स में है, ठीक है, डायरेक्ट। सर 3/2 वो आ केबीटीएल ना, सकता है, क्या बेटा? थ्री बाई वो टू आ सकता है केबीटी वाले क्या? ना। हाँ वो पूरा पूरा डेरिवेशन तुमको समझाएगा। मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए भी निकाला है, एक मोल के लिए भी निकाला है, एन नंबर ऑफ मोल के लिए भी निकाला, डायरेक्ट 3 स्टेप में वो तुमको दिख जाएगा पूरा, तो तुमको पूरा पूरा इंटरनल एनर्जी का डेरिवेशन वहाँ दिख जाएगा। सर वही ना, ओके थ्री सर। बाई टू केबीटी वाला, हाँ यही है ना उसका फॉर्मूला, बिल्कुल, 3/2 केबीटी। हाँ बिल्कुल वही है, वही है। चलो सर,
ये सॉल्व करो सर, हो गया तो ऐसे ही आंसर तुमको बता दोगे ऐसे ही। यस सर, हो गया। सर ये तो एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है ना सर। जो वीआरएमएस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√m के। ठीक है यस सर, ठीक है, दूसरे का तो समझ में आ गया। और एक और कुछ पूछ रहा है क्या सर? फर्स्ट में से रहेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नंबर सबको पता चल गया, एनसीईआरटी का तो सबने किया होगा। ठीक है यस, चलो आ जाओ, ये करो, ये वाला बताओ मेरे को। हाँ क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग आपस में? अमलेश, अमले ये तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं क्लास में। सर मैं दो तीन तीन आईडी से आता हूँ। अच्छा तुम तो एक ही आईडी से आया करो भाई। वो तो सेम आना ही था बेटा, T1 इज इक्वल टू T2 तो आना ही था। यस प्रेशर सर, के टर्म सेम में, ही आ प्रेशर और रहा वॉल्यूम के टर्म में आंसर आएगा, तू है सर। थर्मली इंसुलेटेड बोल दिया। हाँ बेटा सर P1V1 + P2V2 इज इक्वल टू P1V1 + P2V2 आ रहा है। चलो ठीक है, कैसे करना है वो देखते हैं। तुमने वो पूरा ओपन कर दिया एक साइड का ब्रैकेट, इधर आ जाओ। इसमें क्या मेन देखना था, जब इक्विलिब्रियम हो जाए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या दो वेसल बोल रहा है कि नहीं? और क्या कह रहा है, जब दोनों वेसल को क्या है, टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 and 2 आर फिल्ड विद एयर एट टेम्परेचर T1 T2, ठीक है, वॉल्यूम V1 V2 एट प्रेशर P1 P2 रेस्पेक्टिवली। इफ द वैल्यू क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ज्वाइनिंग टू वेसल इज ओपन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल। अच्छा दो वेसल है, इन दोनों को अगर एक में मिक्स कर दिया तो क्या मिक्स हो जाएंगे? मान लेते इसमें N1 होगा, इसमें N2 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, N1 + N2 हो जाएगा। बोल रहा है दोनों को एक साथ लेकर जोड़ दिया, ओपन कर दिया एक दूसरे में, तो मिक्स कर दिया ना, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT। जरा देखो कह रहा है टू थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड मतलब टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है। तो जो हम टेम्परेचर निकालने वाले हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आएगा। क्या आर भी कॉन्स्टेंट है? तो जो भी पी और वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं N1 की बात करूँ तो क्या P1 V1 हो जाएगा? N2 की बात करूँ तो क्या P2 V2 हो जाएगा? और इसकी बात करूँ तो क्या P Vol1 Vol2 ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लास्ट में मिलेंगे तो प्रेशर सेम होगा ना, वॉल्यूम तो V1 + V2 हो गया ये जोड़ा तो, ठीक है। मान लेते प्रेशर P हो गया फाइनल, ठीक है। आया ना? यस सर, यस ठीक है। क्या ये जो P V1 + V2 है वो P1 + V1 B1 + P2 V2 के बराबर होगा? क्यों पता है? मैंने एक स्टेप पढ़ा दिया, रुको तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। N1 N2 जो होगा, क्या ये टोटल N मान लेता हूँ, क्या N के बराबर होगा? यस क्या ये P1 V1 जो होगा और ये P2 V2 इज इक्वल टू P V1 + V2 के बराबर है? ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। सर, ये जो P P1 + V2 सर, इसको ऐसे ही लिखेंगे? हाँ बेटा P1 प्लस ये P V1 + V2 है वो फाइनल प्रेशर आ जाता है।
सर वो जो मैंने बोला था वो गलत था इसका मतलब। हाँ वो तुमने पी को पी वन पी टू लिख दिया है डायरेक्ट, वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, और वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा, एन के लिए एन वन के लिए वी वन ही है, एन टू के लिए वी टू है, वही जुड़ रहा है और प्रेशर कुछ जाके बाद में चेंज होगा। ठीक है चलो डेरिवेशन वाला ये क्लास में करा रखा है ना, मैंने बोला था कुछ चीजें आएंगी जो डायरेक्ट मैं बोलूंगा क्लास में नोट्स में है। अब जब पूछेगा ना कि एजम्पशन बताओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, कहाँ गया ये, एजम्पशन बताओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, तो मैंने वहां पे ना बहुत ज्यादा लिखवा रखा, मुझे 7-8 लिखवा रखेंगे ना, है ना। अब बेसिक बेसिक कम से कम 5 से 6 याद रखना, ठीक है, जो बेसिक बेसिक है 5 से 6 याद रखना, ऑसिलेशन होगा बेटा, ठीक है 5-6 याद रखना। और क्या हमने डेरिवेशन भी देख रखा है उसमें प्रेशर का पूरे अच्छे से, यस सर, ठीक है। एक हमने एटम को लेकर उसको देखा था, इलास्टिक कोलिजन कराया, वापस आया, डेल्टा मोमेंटम चेंज उसका देखा, फिर हमने उसको फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करके निकाला था, याद है, कुछ लोग को याद होगा जो रिविजन किए होंगे, कुछ लोग को धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, है कि नहीं, नोट्स चेक करना, नोट्स में है, नोट्स में है, क्लासरूम में कराया हुआ चीज है। चलो एक ये भी है, क्या क्लास में कराया हुआ है पूरा डेरिवेशन इसका नोट्स में, ये से कर दोनों डेरिवेशन कर लेना, पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी बोल रही। चलो ये निकालो, ये मत करो, ये करो, हाँ ये वाला करो, ये भी एनसीईआरटी का है, सब कुछ करो। नहीं सर सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के हैं, ये सर सपोर्ट मटेरियल के हैं, नहीं क्या तो सारे सपोर्ट मटेरियल क्लियर है क्या, ये सर सारे ए टू जेड जितने भी आपने कराए अभी तक। अच्छा अच्छा ये कंटेंट टीम वालों ने बनाया है, चलो कोई नहीं मैं उनसे बात कर लूंगा, बट सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में काफी, इसलिए मैं ये रख रहा, अभी तो बोर्ड में ज्यादा वेरिएशन नहीं है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से ही आते हैं, तो बोर्ड में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड रहती है और सेम पैटर्न पे पूछना है उनको। चलो सभी लोग करो एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ये बोर्ड नहीं है स्कूल है, हाँ मतलब वही स्कूल में ही वही है एनसीईआरटी। अच्छा वैसे ऐसा सवाल मैंने शायद क्लास में भी कराया था ना सर, ऐसे क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है, हाँ लिखा है किसी ने सर, कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही होता है, वही समझना है बस। हाँ मैंने क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था मुझे याद है, आज ऑसिलेशन के बाद भी बैठ रुकना थोड़ा 15-20 मिनट, थोड़े से बातें करेंगे कुछ चीजें, यस सर, हाँ चलो आ जाओ निकलते, हाँ किसी का तो आया सुमन का, ओके ठीक है, वेलकम टू 5.3 सर, 5 पॉइंट कुछ कर आएगा समथिंग, 5 पॉइंट कुछ करके आएगा, यस सर, यानी कि सबने जी की वैल्यू 10 ले ली है ना सर, 5.263 सेंटीमीटर क्यूब सर, 10 ही लेते हैं सर ज्यादातर तो, चलो ठीक है, कुछ लोग सेंटीमीटर में बता रहे हैं सर, 5 मीटर में लेना पड़ेगा सर, मीटर में लेना पड़ेगा, ये देखो ये मीटर में है सर, मीटर में करके फिर से कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, सबको आता है यानी कि एनसीईआरटी का सबने कर रखा है ना, यस सर, ये भी करा रखा है मैंने सर, मीटर में निकालेंगे तो 5.263 × 10⁻⁶ −6 तुमने अभी सेंटीमीटर क्यूब में किया है, हाँ ठीक है 10⁻⁶ में है, देखो नजर, अगर मीटर में निकालते फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो फिर ये 5.263 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा फिर, ठीक चलो ये सब ये जरा पूरा पढ़ो एक बार, पढ़ लो स्क्रीन पे दिख रहा है,
यस सर यस सर कह रहा है ये क्वेश्चन है ग्रांट बेटा, ये केस स्टडी वाला चीज है, नॉर्मल है, एक दो सवाल आ जाते हैं तो वहां पे भी यही होगा कि ये क्वेश्चन है कि ग्रांट है सर। केस स्टडी भी ऐसे देते हैं पेपर वाले कि उसके आंसर भी नहीं दे पाते सर। अगर हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है सर, जैसे कि हमारा 5 पॉइंट, उसके आगे कुछ डिफरेंट आ रहा है, स्टार्टिंग का 5 पॉइंट सही है, तो नंबर तो मिलेगा ना पूरे? हाँ मिल जाता, नॉर्मल दे देता, ठीक है, उसको पता रहता कि इतना माइनर है तो दे। ये सर क्योंकि कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही करेक्ट होती है ना बस। जैसे कि मान लो अगर उसको काटना भी होगा, 5 नंबर का होगा तो 1 नंबर काटेगा, आंसर ना आने का 1 नंबर कटता है, बाकी स्टेप मार्किंग होती है। ओके सर, एक बार मैंने बोर्ड में ऐसे ही कर दिया था, बेल लग गई थी और मैथ का सवाल चला, तो 6 नंबर का वो सवाल था, और मुझे बाद में दिखा कि ये तो मैट्रिक बन रहा है। अब मैट्रिक में होता है कि तुम पता नहीं इनवर्स पूछ रहा था, तो होता है ना उसका इनवर्स ऐसे निकालना और फिर नीचे उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन ऐसे ही बस रफली ऐसे करके जल्दी से पूछ करके रख दिया, उसने नंबर ही काटने मेरे 4, तो 100 में 96 है। आधी है सिस्टर, आधी सर। कौन सी क्लास में? 12th में बेटा, मैथ में सर 96 है। हां सर, उसकी वजह से 4 नंबर कट गया बस। तो भाई 4 नंबर कट गया मेरे, मेरे को बस 2 कट जाते आप तो 100 तो आप नहीं करना चाहिए। एक एक लाइन बोलता हूं, दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम पूरे साल भर तुम टॉप करो ना करो, तुम पहले दिन से लेकर हर एक टीचर की नजर बस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला काम होता है। फर्स्ट इंप्रेशन बना लो, तुम कुछ भी नंबर लाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। मैं टॉप अप नहीं करता था, टॉप कौन करेगा वहाँ पे? सब डरते रहते थे कि ये फर्स्ट आए वो फर्स्ट आए, कोई मतलब नहीं था। हाँ सबको पता था कि हाँ ठीक है, ये बच्चा अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है, पढ़ता है। सर पढ़ लिया, पढ़ लिया सबने, क्या ये भी देख लो, रीडिंग टाइप है, ऐसा ही है, ये सवाल आ जाते हैं। इसके बाद से 2 सवाल है वो मैं कराऊंगा, मतलब 2 सवाल और बेसिक बेसिक कह रहा हूँ सर। ये अलग है उससे, केस स्टडी से? नहीं नहीं, केस स्टडी के ही है, मतलब वो अलग होगा, अभी मैं कराऊंगा, अभी केस स्टडी ये पढ़ लिया गया। यस सर। देखो इतना पढ़ने के बाद वो सवाल कैसा पूछता है, हंसना मत फिर बाद में कि सर इतना क्यों पढ़वाया, कुछ काम नहीं आ रहा है, ठीक है लो पढ़ो, पहला सवाल का जवाब दो। अब तो सबको पता है, ये तो 10th में पता चल गया था मुझे, पहला वाला तो पहले ही पता है इसका, इसका तो ये होगा। हाँ क्योंकि हमने ऊपर से आते हुए, ठीक है पहले का सबको पहले पढ़ो। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या मैं निकाला था काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम करके ऐसे 3/2 RT, ठीक है? अच्छा हाँ भाई, 3 दिया था कुछ बार। कह रहा है एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0, पता सर? सभी को पता है नॉर्मल। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा A A B B C, A A सर इसका डी होगा ना? सर डी पावर माइनस 1/2। चलो चौथा बताओ। अरे बार ये बता दो डी कैसे है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS पूछ रहा है, यही तो होता है, शुरू से लेके हम यही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अब बोला ये मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, गैस के मॉलिक मास पे, क्या VRMS जो है दिख नहीं रहा है कि अंडर रूट में m ऐसे है? अगर मैं अंडर रूट में हटाऊंगा तो m की पावर 1/2 हो जाएगा, और ऊपर ले आऊंगा तो 1 पावर माइनस 1 माइनस, ठीक है? ओके सर चलो आ जाओ। और ये वाला एंट वाला बताओ, 4 सी सी और नो सर 2 इतने सी वाला मुझे पहले ये बताओ सर, मैंने तुमने पन लगा दिया उसके, चीटी उड़ती है वो तो सरफेस पे चल रही है ना बट्टी बच्ची, ऐसे चल रही है ना बस, तुमने उसको उड़ा भी दिया, बताओ। चलो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल सर 5। आपको पता है 3 ट्रांसलेशन होगा और 2 रोटेशनल होगा। यस सर, ठीक है,
और इसमें अगर वाइब्रेशन भी देते तो प्लस टू और हो जाता, ये सर सेवन हो जाता, सेवन हो जाता। चलो अब जरा दो क्वेश्चन है जो मैं करा दूं, ये क्या है क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, जरा रुको मैं मोबाइल खोल के देखूं एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जेन्युइनली अच्छा है सर, आपने कल की तीनों पीडीएफ भेजी नहीं अभी तक, देखो फिर हाई ग्रुप में नहीं मिलेगा, बाय लिंक पे वो लिंक पे जाओ मैं ध्यान दो, मैं जो भी पीडीएफ होता है वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां लिंक होगा, मैंने अपना डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जाकर डायरेक्ट मेरे एक्सेल शीट पे जाओगे, उस शीट पे जो जो भी नोट्स चाहिए सब अवेलेबल है, ठीक है? अब दोबारा मत पूछना, ठीक है सर, नहीं तो सर क्लास एंड कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लास एंड कर देंगे, गुस्सा आ गया था। हां चल इधर आओ, एक सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है? सवाल याद नहीं है मेरे को, मैं मोबाइल से लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो, ठीक है, कह रहा है 0.014 केजी, राइटिंग ना समझ में आए तो पूछ लेना, केजी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल, एट और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाउ मच हीट has to be writing समझ में आ रही है? Yes sir, अभी तक समझ में आ रही है। To the gas transferred लिखा है, transform लिख दिया मैंने, transferred to the gas to double the RMS speed of molecule. चलो ये करो, दिखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, दिखने में छोटा लग रहा है ना पर देखो जख्म देगा, अगर तुमने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया इसमें ना खत्म ही था, करो कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज, ये अच्छा सवाल, अभी तक मेरे को यही अच्छा सवाल था जेन्युइनली। जरा मैं स्लाइड एक और ऐड कर दूं सॉल्व करने के लिए, मैं तो हूं रोशनी तारा मैं तो हूं तुम हो गए तुम तारा, सॉल्व करो सर, ये जो पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आए सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं तो मतलब सपोर्ट के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे, बस ये वाले। एक और क्वेश्चन है, चलो मिल गया, एक और मिला, अच्छा ये दिक्कत क्यों चाहिए, तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे सपोर्ट मटेरियल का ही है, सपोर्ट मटेरियल का, अच्छा पता नहीं लग रहा वहीं से बना दिया क्या तुमने, हो सकता है लगा उनको कि ये इम्पोर्टेंट है तो करा दिया यहीं से, अरे यार हो रहा है कि नहीं सभी से? नहीं सर। क्या पूछ रहा है? हाउ मच हीट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द गैस, सवाल से देखो, मैं कर दूं? यस सर, यस सर, आ जाओ, क्या पूछ रहा है? हीट के बारे में पूछ रहा है, क्या हीट पता है एन सी बी डेल्टा टी होगा? यस सर। मैंने सी बी क्यों लिया, सी टी क्यों नहीं लिया? क्योंकि एनक्लोज्ड इन अ वेसल लिखा है तो वॉल्यूम इसने कॉन्स्टेंट कर दिया, सवाल ने ऐसा दिया है वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कह रहा है 0.014 केजी ऑफ नाइट्रोजन इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल एट टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द गैस टू डबल द वीआरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या मुझे एन भी चाहिए, मुझे सी भी चाहिए और मुझे डेल्टा टी चाहिए, तभी पता चलेगा कि कितना हीट दिया है, है कि नहीं?
ठीक है, क्या मैं अब सीवी निकालू? सबसे पहले मैं मोल निकाल लेता हूँ कि मोल कितना है, ठीक है। क्या दे रखा है? मोल 0.014 केजी दे रखा है। क्या ये 1.4 ग्राम है? ठीक है, 1.4 ग्राम नहीं है, 14 ग्राम है ना? अरे हाँ ना बोलो, 14 ग्राम है ना? यस सर है। यस सर। ठीक है, तो इसका एक मोल में 28 ग्राम होता है, तो 14 ग्राम यानी कि मोल कितना हो गया? 14/28 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मोल आ गया। सीवी 9405, ठीक है, देखते हैं। दुर्गा का है 2250, ये कुछ सही दुर्गा का सही है वैसे तो। हाँ, दुर्गा का सही लग रहा मेरे को। ठीक है, इधर आ जाओ। सीवी, सीवी कह रहा हूँ, सीवी निकालते हैं। क्या Fr/2 होता है? क्या नाइट्रोजन की बात कर रहा है ना? तो नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अच्छा, मैं आर इस समय हीट निकालना है तो कैलोरी में ले रहा है, तो मैं कैलोरी में ले रहा हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा? 5 कैलोरी पर मोल कैलोरी। ठीक है, आया ना? यस सर। अब मुझे टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर मुझे देगा VRMS। देखो VRMS होगा, और VRMS में क्या कह रहा है? हाउ मच हीट टू बी ट्रांसफर टू द गैस टू डबल द RMS स्पीड। ठीक है, RMS स्पीड को ध्यान से देखना फिर से। मुझे टेम्परेचर चाहिए ना? क्या ये अंडर रूट में 3RT/m की बात कर रहा है? ध्यान से देखो, 3 दोनों में सेम रहेगा, m भी सेम रहेगा। क्या बदल रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। ठीक है, तो VRMS इनिशियल अपॉन में VRMS फाइनल कर दूं क्या? है कि नहीं? और क्या आएगा? अंडर रूट 3RT, ये इनिशियल ले लेता हूँ, इसको फाइनल लिख देता हूँ, उसको m लिख देता हूँ, तो ये तो कट जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या आ जाएगा देखना जरा? VRMS इनिशियल अपॉन VRMS फाइनल इज इक्वल टू में अंडर रूट टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। कितना कह रहा है? क्या कह रहा है? डबल द RMS स्पीड। ठीक है, RMS स्पीड कोई बोल रहा है कि डबल कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। VRMS इनिशियल के डबल है फाइनल वाला। ठीक है, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे 2V? सर, इन दोनों को अपॉन में क्या, तो रूट से रूट खत्म नहीं होगा क्या बेटा? हाँ, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। काट देता हूँ अभी, लो सबको पहले ऐसे देख लो भाई, नहीं तो कुछ लोग ना गायब हो जाते हैं ऐसे। और ये हो जाएगा टी इनिशियल बाई टी फाइनल। ठीक है, वी आर एम एस दे रखा है। क्या बेटा? सर, हम ऐसे रूट कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, ऊपर से No. सर, आपने कर दिया था। यस सर। बहुत बढ़िया, कितने खिलाया मुझे ये गेम। यस सर, वही मैं सोच रही हूं कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैं रुका क्यों था, क्योंकि नहीं कटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं यस सर, स्क्वायर करके ना हो जाएगा। ठीक है, और मैं सर वही पे खेल लग रहा, आंसर गलत आ रहा है। हां, अच्छा ठीक है। क्या है? वी इनिशियल 1 है, तो दूसरा वी फाइनल दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स बोल रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, तब ये टी इनिशियल टी फाइनल हो जाएगा। क्या मुझे टी फाइनल दिख रहा है? कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल दिख रहा है। आया ना? यस सर। 4 हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, टी फाइनल इधर, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल। ठीक है, कहा गया सवाल? बोल रहा है पहला 27 डिग्री सेल्सियस, तो टी इनिशियल पता है क्या? टी इनिशियल 300 केल्विन हो जाएगा। यस सर। तो टी फाइनल कितना हो जाएगा? 4 × कितना, यानी कि 1200। हमें क्या चाहिए था? क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल चाहिए क्या? टी फाइनल 1200 है, टी इनिशियल 300 है, क्या ये 900 केल्विन आ जाएगा? यस सर। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है हाफ, सी वी पता है 5, और ये कितना है? 900। तो 9 × 45 / 2 यानी कि 2250। यस सर। आया क्या? और ये किसने मुझसे ये करवाया? सर एक बार ये सेकंड स्टेप बताओ, मेरे साथ भी खेल रहे हो बच्चे। ठीक है, ये सर सेकंड स्टेप दोबारा बता दो उसका। कौन सा सेकंड स्टेप? सर इसी पेज का, ये हाफ कॉस स्क्वायर वाला। यस सर, यस सर, ये वाला देखा मैं, इसीलिए कुछ भी काटता वरता नहीं हूं जल्दी। देखो ये स्क्वायर था,
इसको मैं 1/4 लिख दिया था, अब मैं 4 को इधर लिख गया और t को इधर, तो t final is equal to 4t, ठीक है? अभी समझ में आया? सर ये 1/2 कैसे आया? ये 1/2 कैसे आया? सवाल में देखो क्या दिया होगा, कह रहा है कि जब हमने हीट दिया ना, तो जो RMS स्पीड थी वो डबल हो गई, यानी कि बाद वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, जो p final होगा वो 2 टाइम्स ऑफ v इनिशियल हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही मैंने v इनिशियल यहाँ लिखा है और v final यहाँ पे, ठीक है? तो बस वैल्यू पुट कर दी मैंने, अभी समझ में आया? यस सर। इतना बेसिक बेसिक तुम पूछोगे यार, बताओ। एक और सवाल था, रुक जाओ देख लूं मैं, मोबाइल नहीं था क्योंकि इसमें तो पता चल गया, ये तो नॉर्मल है, बता दोगे तुम दो, ठीक है चलो मैं दे देता हूँ। सर सपोर्ट मटेरियल में से मत लेना। पता नहीं बेटा, तब वहीं से आया मेरे पास। अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने क्या बोलो? स्टेप बम भी फ्री पार्ट बता दो। चले रुक जाओ, तुम लोग लाओ फ्री पार्टीशन, ठीक है? वो एक और मैंने बोला था मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स एकदम मस्ट। फिर मैंने तुम लोगों को काइनेटिक, काइनेटिक गैस की इक्वेशन, वो जो पूछ रहा था ना वो प्रेशर वाला कहाँ से आ गया, 1/3 mnV काइनेटिक गैस की इक्वेशन, ठीक है? वो भी ठीक है, और वी आर एम एस का डेरिवेशन देख लेना, ये चीजें देख लेना, बाकी सब तो बेसिक है, इसमें कुछ खास है नहीं ज्यादा। जब मैं ये बोल रहा हूँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, तो उसका डेरिवेशन अच्छे से देख लेना, ठीक है? सब नोट्स में है, जितना मैं दिखा रहा हूँ सब नोट्स में, कहीं इधर उधर नहीं जाए तुम लोग को, ठीक है? इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? बाकी वो कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। कुछ पूछना है तुम लोग को, डाउट आउट है तो पूछ लो, ठीक है? किसी को कोई डाउट होता है तो? नो सर, थर्मोडायनेमिक्स करा दीजिए। ठीक है तो थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, बच्चे कुछ जा चुके हैं थक वक्त, ठीक है? फिर से जाएगा नोटिफिकेशन क्लास में, तो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी सर एक बार बैक करना, वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें लास्ट क्वेश्चन दिखाना एक बार। कौन सा? ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये सर, ये वाला सर, इसके फर्स्ट पार्ट, इसमें हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 3p/ρ वाला? नहीं बेटा, जब बात जिस टर्म में, क्वेश्चन में जिस टर्म में बात करेगा ना, हम उसको ज्यादा देखेंगे। कह रहा है 2 वेसल ऑफ द सेम वॉल्यूम आर फिल्ड विद द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है? तो हमें टेम्परेचर की बात पहले ही बोल दिया, ठीक है? तो हम उस टेम्परेचर के साथ करेंगे सर, लेकिन फिर प्रेशर में वेरिएशन दिया हुआ है ना, तो पता है बेटा, जब मैं, हाँ मैं बताता हूँ तुम्हारा, तुमको क्या दिक्कत हुआ ना, मैं बताता हूँ। तुमने वी आर एम एस में तुमने ये भी फॉर्मूला देखा, ठीक है? और वी आर एम एस में तुमने ये भी फॉर्मूला देखा, ठीक है? और मैं तुमको वो चीज याद दिलाता हूँ, तो मैंने क्लास में बोला था, मैंने बड़े प्यार से इस पे ये दिखाया था कि कैसे टेम्परेचर पे वेरी करता है, कैसे मास पे वेरी करता है। जाना नोट्स में लिखा होगा कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट थ्री, ठीक है? नोट्स में एकदम लिखा हुआ, और एक होगा ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट एम, ठीक है? ये पहले वाले के लिए। मैं दूसरे वाले में भी सबको ये बात समझाया था कि हम प्रेशर को ऐसे वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट थ्री नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं ये भी बताऊं, मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, ठीक? प्रेशर बढ़ाया, क्या प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, PV = nRT, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब मैं वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो density = mass/volume, रुक जाओ, PV सर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, हाँ वॉल्यूम घटता है, ठीक है? वॉल्यूम घटेगा, अब देखो वॉल्यूम घट गया, मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घट गया, डेंसिटी बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाता है, प्रेशर को बढ़ाने प्रेशर बढ़ ही रहा, डेंसिटी बढ़ गया, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये वी आर एम एस ओवरऑल बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है ऊपर से नीचे से, ये भी बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है ज्यादा कि घट रहा है ये पता ही नहीं चलता हमें, समझा? इसीलिए मैं कभी, इसीलिए कभी भी कंपेयर करते हैं तो प्रेशर वाले से नहीं करते हैं, टेम्परेचर वाले से करते हैं, ये क्लास में बताया हुआ है चीजें, ठीक है?
ओके सर। चलो और कुछ पूछना है किसी को? सर टी इनटू एक्स से या वो एक्स लिखा है वो इनटू लिखा है सिंबल? मिट जा भाई, अरे मिट जा, उसको दिक्कत काटा है वो काट मतलब वी आर एम एस इक्वल टू थ्री आर टी एम और फिर इक्वल टू टी लिखा आपने। चलो वी आर एम एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के ना, लेकिन बोला है कि टेम्परेचर यहाँ पे सेम है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर यहाँ पे सेम टेम्परेचर है, ठीक है, वही बोला टेम्परेचर सेम फॉर बोथ दैट, ठीक है। आरएमएस की बात कर रहे हैं ना, सवाल देखो ना, रेशियो ऑफ ये आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जब टेम्परेचर सेम है तो वीआरएमएस सेम हो जाएगा, वीआरएमएस सेम, ठीक है। अबे ठीक है, यस सर, तभी कंफ्यूज कर रहा था वो टी इनटू एक्स है या क्या है, मतलब कंफ्यूज थी क्या है ठीक है। Yes, sir, अब समझ आया। किसी को कुछ पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछ लो। सर इसके नोट्स डाल देना लिंक पे। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। सर ये चैट सेक्शन में कुछ बच्चों ने लिखा है कि 16 को एग्जाम है फिजिक्स का। अरे कुछ बच्चों का 16 को एग्जाम है। इवनिंग शिफ्ट वालों का 16 को ही है। इवनिंग शिफ्ट वालों का, इवनिंग वालों का 16 को है। मेरा भी तो इवनिंग में है। हाँ कुछ लोग का जैसे 15 हमारा भी 16 का, मेरा समझ नहीं आ रहा, मैं तो बोल रखा है इवनिंग का है पर हमारा तो मॉर्निंग का। सर मेरा इवनिंग में 15 टाइम। हाँ इवनिंग शिफ्ट वाले का पेपर है। चलो हो गया ना, ये में से इसको मैं बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में चल रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ। अरे सर ये तो बता दो कब पेपर देने जाना है। अरे 15 को देने जाना, डेट शीट मिली होगी स्कूल से, उसको देखो जाओ। स्कूल से नहीं मिली डेट शीट, उसे डेट शीट क्यों बोल।